हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अभी हम डायरेक्टली वीडियो में चलते हैं। तो आज का वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप कि आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो जो है क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है कि मैं अपने चैनल में काफ़ी वीडियोस डालते रहता हूँ, लर्निंग वीडियोस, स्पेशली ऑप्शन बेस्ड वीडियोस मैंने काफ़ी डाल के रखा हुआ है। तो ये मेरा ट्रेडिंग जर्नी चैनल है, तो इसमें आप देखेंगे वीडियोस में, तो वीडियोस में जाके देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ आयरन फ्लाई पे, बैटमैन पे। तो मैं आज ये जो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बट मेरे चैनल के हिसाब से जो आपने ज़्यादा पसंद किया हुआ है वो है बैटमैन, ये वाला जो है बैटमैन ऑप्शन स्ट्रेटजी बैक टेस्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये वाले वीडियो आप जाके देखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने इसको मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया था कि एक और वीडियो बनाया था कि डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो वीडियो है अभी जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बैक टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट है। तो मैंने इस वीडियो पे बैक टेस्ट करके दिखाया हुआ है 2-3 महीनों का, और एडजस्टमेंट कैसे करना है ये भी दिखाया हुआ है। तो आज का जो वीडियो देख रहे हैं आप, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस वीडियो से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, मस्ट है, कंपलसरी है मेरे हिसाब से, यदि आपको पूरी पूरी तरीके से समझना है जो आज की वीडियो जो है उसको। जैसे आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, बट मैं उसका इसी जो स्ट्रेटजी है उसका मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको जो रिजल्ट है वो टेक पूरी की पूरी तरीके से इसी वीडियो पे बेस्ड है। तो आप इस वीडियो को जाके देखेंगे कैसे डिप्लॉय किया मैंने, क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया, वो सारा अप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो आज की वीडियो में है। तो इसके लिए मैं फिर से इस वीडियो को बनाऊंगा तो नहीं, बताऊंगा नहीं, आप जाके देखिएगा। इससे पहले मैंने डिप्लॉयमेंट बताया था कि मार्जिन कितना लगता है, कैसे आपको डिप्लॉय करना है। फिर इस वीडियो में जो चल रहा है उसमें मैंने एडजस्टमेंट बताया हुआ था, इस तरीके से काफ़ी कुछ है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, उसका रिजल्ट जो है आज मैं शो करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो आज का जो है वीडियो मैं पूरा का पूरा उसका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ जो मैंने दिखाया, ये बैटमैन ऑप्शन स्ट्रेटजी का बैकट्री जो मैंने दिखाया था। पिछली बार क्या दिखाया था, लास्ट 4 मंथ में 33,000 रिटर्न दिखाया था, ये है ना, कंप्लीट बैक टेस्ट दिखाया था उसमें मैंने ऑप्स्ट्रा पे जाके। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं एक्सेल शीट में उसका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको पता है कि मार्जिन कितना लगता है इस पर, हाँ ये पूरा जाके देखिए, सभी चीज़ उसमें वीडियो में मिल जाएगा, बट मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि एक से एक तो नहीं, लगभग 125,000 के आसपास आप उस पर जाके देखेंगे तो चलो हम ले लेते हैं 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगता है, ठीक है। तो आपको मार्जिन जो 1.5 लाख का लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको बैकअप के लिए कुछ लॉस हो सकता है, शुरू में कुछ लॉस हो जाए, हो सकता है कुछ बड़ा लॉस हो जाए, जो भी है उसके लिए आपको 10-20-50,000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि आपको 2 लाख का चाहिए। और वैसे भी मार्जिन जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग दिखाता है, जैसे ये ऑप्शन स्ट्रेटजी जैसे मैंने एक लगा कर रखा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ये भी, ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं इसके ग्राफ में कि ये जो लगा हुआ है वो किसका है, बैटमैन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये रिक्वायरमेंट, ये जो मार्जिन है उसका 1,42,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी लगभग 1,20,000-30,000 से लेके 1,40,000-50,000 तक, और अलग अलग ब्रोकरेज में ही अलग अलग दिखाएगा, तो 1.5 लाख के आसपास सभी में दिखाएगा। तो आपको मार्जिन जो है कम्प्लीटली इसको अप्लाई करने के लिए लगभग 2 लाख रुपये चाहिए, ये आप जान के रखिए, ठीक है। तो 2 लाख में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको एक्चुअल मार्जिन जो है 1.25 से 1.5 लाख के आसपास का ही लगेगा आपको। ओके, तो देखिए, हाँ इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो वीडियो देखेंगे आप अभी जो मैं बता रहा था उसमें उसमें और इसमें ये है कि वो जो मैंने बनाया था वो जो वीडियो है, शायद आप देखिए कि बैंक निफ्टी पे अप्लाई किया था मैंने, और रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ सेम रहेगा, और आप कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा तो मैं इसके लिए और डिटेल वीडियो इस पर ऑप्स्ट्रा में करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो इसको करना क्या है, इसको आपको निफ्टी में बनाना है, बैटमैन स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको सेम चीज़ करना है, एडजस्टमेंट भी सेम रहेगा जैसे उसमें किए थे। आपको जाके देखिए उसमें मैंने एडजस्टमेंट क्या किया था कि इसमें जो होता है कि देखो 1/2 सेल करते हैं,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक डिप्लॉय करके दिखाया हुआ है, ठीक है, ये भी किसका है, हाँ ये निफ्टी का ही है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे एक बाई है, दो सेल है, फिर एक बाई है, दो सेल है, तो इसमें हमारा जो है दो सेल रहता है, इसलिए यहाँ पर 1.5 लाख का तक का मार्जिन लग रहा है, अदरवाइज ये 70-80 हज़ार तक से कंप्लीट हो जाता है यदि हमारा हेज रहता। तो फिर भी आप इसको मार्जिन और कम करना चाहते हैं तो और दूर का जैसे हमने क्या किया है 23 रुपये, 18 रुपये, ये हमने बाई सेल किया हुआ है, तो 1-2 रुपये वाला जो होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 1-2 रुपये वाला कौन सा मिलेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल ये 1 रुपये, 20,800 का जो कॉल जो है ये 1 रुपये में मिल रहा है, समथिंग 1, 1.5, 1.1 में, ठीक है। तो ये आप चाहें हेज के लिए, मार्जिन बेनिफिट के लिए इसको आप फिर से बाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने कॉल क्या किया है, 20,150 का एक कॉल बाई किया हुआ है, 20,200 का दो सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे दो सेल है, एक बाई है, कम्प्लीटली हेज नहीं है, आपको मार्जिन बेनिफिट और भी लेना है, तो आप क्या करेंगे, देखो 23 में एक बाई किया है, 18 में दो सेल किया है, मतलब 18 दुनिया 36 यहाँ पे मिला आपको और 23 यहाँ पे गया, तो ये तो आपको सीधी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट स्प्रेड है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक बाय किया तो आप दूर में जाके, और यहाँ पे दिखा रहा है 1.1 जो है 20,800 का, यहाँ पे आप एक बाय कर लेंगे तो ये कम्प्लीटली आपका मार्जिन जो है 1.5 लाख गया हुआ है वो 70-80 हज़ार में आपका कम्प्लीट जो है बैटमैन बन जाएगा। हालांकि उसमें पे अप ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने आगे जाके बाई कर लिया, लेकिन वो सिर्फ अपने मार्जिन बेनिफिट के लिए उठा रहेगा, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये देखिए अपना आप मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका मार्जिन काफ़ी कम, मतलब आधा हो जाएगा ये मान के चलते हैं, ठीक। तो आप कर सकते हैं और नहीं तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं, और कम्प्लीटली प्योर आपको बैटमैन पे प्ले करना है तो ये इस तरीके से रहेगा, और उसमें एक ही चीज़ रहेगा कि मैक्स लॉस जो है अनडिफाइंड रहता है, बैटमैन में आपको पता है कि मैक्स लॉस अनडिफाइंड रहता है, इसलिए वो एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट में क्या बताया था कि जब भी आपका ये पीक पे जाता है, मैं आप देखिएगा, ज़्यादा इसमें मैं फोकस नहीं करूँगा, पीक पे जाता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा ज़्यादा लॉस कौन सा देता है, डबल जो है हमारे, जैसे कि हम यहाँ पे कॉल की बात करते हैं, मान लो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो ठीक है, तो हमने क्या किया 20,200 का दो सेल किया है, वहाँ पे हम एक को एग्जिट कर देंगे, ठीक है, एक से एग्जिट हो जाएंगे, एक को रहन देंगे, ठीक। तो ये करेंगे, ये मैंने एडजस्टमेंट बताया हुआ, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा जाके तो आपको डिटेल समझ में आएगा। तो हर चीज़ वही अप्लाई करना है, बस हमको उस वीडियो में मैंने क्या बताया था, बैंक निफ्टी में बताया था, उसको आपको निफ्टी में करना है, और कुछ रहे तो आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट मैं उसको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए रिजल्ट मैंने क्या दिखाया हुआ है, ये देखिए मंथ लिखा है यहाँ पे मैंने, फर्स्ट ही वाला देखिए, ये मंथ वाला है, ये रिजल्ट वाला है, एडजस्टमेंट वाला है, एटीएम क्लोज प्राइस रेंज, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया हुआ है कि एटीएम क्या था उस समय और क्लोज प्राइस और रेंज कहाँ तक उसका जब हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो कहाँ तक गया, ये मैंने बताया हुआ। तो आप अगर अभी फिलहाल चाहें तो ये तीनों जो आखिरी का जो है एटीएम, ये कॉल्स लिखा है, क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस और रेंज को आप चाहें तो भूल सकते हैं, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया हुआ था। ओके ओके, सो अभी ये जो मंथ रिजल्ट और एडजस्टमेंट, ये तीन पार्ट पर ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया है मंथ रिजल्ट और एडजस्टमेंट, इस पे ही आपको फोकस करना है, ठीक है ओके। तो क्या करना है, देखिए करना क्या है, तो मैंने बता दिया, रिजल्ट में बताना चाहता हूँ, कितना अच्छा स्ट्रेटजी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये मैंने मंथली करके दिखाया था उस पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, निफ्टी पे करना है, और इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, आपका मार्केट का व्यू कैसा है, वो सब कुछ आपके अपने ऊपर है, टेक्निकल क्या देखते हैं कैसे करते हैं, लेकिन यदि आप बैटमैन स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली आप अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसे रहेगा, मैं इसकी बात करूं कल, ठीक है। आप ये मत देखिए कि वहां पे तो आप एग्जिट नहीं लेंगे तो काफ़ी अनलिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेल किए हैं, तो सब मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, और ऐसा कुछ होता नहीं है, आपका जो है पेशेंस रखना चाहिए, और आपको लगातार रेगुलर कंसिस्टेंट आपको एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मैं अप्लाई करके दिखाई, ये मैंने ऑप्शन पे करके देखा है, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं एक्सेल में जो रिजल्ट है उसका, ठीक है। तो देखिए मंथ जो है ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2019 में, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक 20, फिर 21, फिर 22, ये पूरा 4 साल हो गया, और 23 अभी जो रनिंग है इसमें मैंने अगस्त तक किया हुआ था, तो अगस्त में ये 8 मंथ मान के चलिए, ठीक है, ये यहाँ तक का मैंने पूरा मतलब 4, 4.5 साल का लगभग पूरा बैक टेस्ट का मैंने रिजल्ट दिखाया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे तो देखिए ये साल खत्म हुआ तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इस साल में आपको कितना बेनिफिट हुआ, 33,000 का, कौन से मंथ में, सॉरी कौन से ईयर में, 2019 में। 2020 जो कि काफ़ी टफ था, उस पर आपको कितना
ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूँ मैं ना पूरे साल में, उस साल कितना प्रॉफिट हुआ, 13,000 का। देखिए ये कोरोना काल था, कितना लोगों का लॉस हो, जो कुछ भी हुआ, काफ़ी कुछ हुआ होगा, माइनस प्लस जो कुछ हुआ, लेकिन ओवरऑल इंड में आपका प्रॉफिट क्या दिखा रहा है, 13,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, मतलब आप लॉस में नहीं है इंड में। ठीक है, किसी एक मंथ में लॉस में हो सकता है, 2 महीने 3 महीने में हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट आप फॉलो करेंगे तो आपको देखिए ये जो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ये आपको 13,000 का प्रॉफिट दिखा है ईयर एंड में। ठीक है, उस कोरोना काल में भी 2021 में आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है 35,900, लगभग 36,000 का। ठीक है, 2022 में आप अप्लाई किए इस स्ट्रेटजी को तो 23,000 का, और 2023 जो रनिंग है और 8 माह का देखेंगे तो ये इस 8 माह में 27,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको करके दिखाया भी होगा, ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये ओके। अब ओवरऑल आप देखेंगे ये मैंने टोटल क्या हुआ इसका, ओवरऑल देखेंगे देखिए ये कौन से मंथ का है आप मैच कर सकते हैं, सॉरी कौन से ईयर का है, 19 का, ये 19 का है, 20 का, 21 का, 22 का और 23 का अगस्त मंथ तक, ये आप देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रिजल्ट टोटल हमारा कितना है, 1,32,745। मतलब ये आपने कुछ नहीं किया, कोई भी आपको पता है सर्किट लगा, डाउन सर्किट लगा है, वार का सिचुएशन आया, जो कुछ भी आया, ये सब कुछ झेल के आपने सिर्फ बैटमैन स्ट्रेटजी को अप्लाई किया निफ्टी में। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए किसी एक मंथ में लॉस दे सकते हैं, लेकिन लेकिन देखिए कितना भी टफ सिचुएशन आया है और आपने उसी एडजस्टमेंट को आपने किया, तो देखिए हर साल बैक टू बैक प्रॉफिट दिया है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा जैकपॉट नहीं लगा है, आप देखेंगे तो आपको 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगा है आपने मोटा मोटी देखा तो। और यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या है, 1.5 लाख के आसपास का है, मतलब 4 से 5 साल में, चलो 5 साल मान लेते हैं, 5 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हुआ है। ठीक है, तो आप शेयर मार्केट में क्या आते हैं, क्या सोच के आते हैं स्टॉक मार्केट में कि मेरा एक ही दिन में डबल हो जाए, होता है। ठीक है, ऑप्शन में होता है, 1 महीने में डबल हो जाए, 1 साल में डबल हो जाए, तो लालच काफी करते हैं, तो आप क्या करते हैं पैसा पूरा डुबा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सिंपल स्टडी रखा हुआ है, आप कंसिस्टेंट फॉलो करेंगे तो यदि 4 साल 5 साल में भी डबल होता है तो सोचिए आप किसी भी एफडी में ऐसा होता है क्या, नहीं होता। एफडी में 6% 7% का रिटर्न है, 8 से 10 साल आपको लगता है डबल करने के लिए, और यहाँ पे आप आपका पैसा खुद मैनेज कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो उस पर आप साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, फिर भी कुछ भी निकलते तो भी आपको देखिए। और तो मैंने क्या दिखाया आप उसको जाके देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया है, कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी काफ़ी सिंपल है, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ऑप्शन को प्ले कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया, बस डिप्लॉय करना है, छोड़ देना है आपको। डेली टू डेली मैंने बताया था कि रोज 9:30 का आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं बिना कुछ किसी टेंशन के, और एक छोटा सा सिंपल सा एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट है, आपको इसमें ब्रोकरेज भी काफी काफी कम लगेगा, 200 300 लग गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मंथ में, पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो आप डेली इंटरडे करते हैं तो डेली आपको 200 300 ब्रोकरेज लग जाता है, आपका जो प्रॉफिट है वो भी ब्रोकरेज में चले जाता है, लेकिन ये 200 300 मैक्सिमम है, वो भी मंथ में, और इस तरीके से आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, आपने कितना लगाया है, 2 लाख लगाया हुआ है, 1.5 से 2 लाख आपका, एक्चुअली तो 1.5 लाख था, लेकिन देखिए पूरे साल में आपको 33,000 मिला, फिर 13,000 मिला, फिर 35,000 मिला, फिर 30,000, फिर 37,000, ये साल का रिटर्न है ना, ये आप मंथली मत सोचिए। ठीक है, तो ये अप डाउन होते रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपने क्या किया, 4 साल में 5 साल में आपने लगभग आपका पैसा जो है डबल हो गया बिना किसी टेंशन के। तो हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें, मैंने कई सारी स्ट्रेटेजी टेस्ट करके देखी है, आयरन फ्लाई ये वो बहुत सारा देखा है, लेकिन रेयर चांस में मिलेगा आपको कि आपको किसी साल में आपको लॉस भी हो सकता है, किसी मंथ में भी लॉस हो सकता है, ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने, मैंने बहुत कम देखा है कि हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे पैसा स्ट्रेटेजी, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है ये, मैंने बहुत सारी चीज़ों को बैक टेस्ट करके देखा है, उसके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब देखिए इस पर थोड़ा सा और डीप जाते हैं हम। ठीक है, ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए आप पेशेंस रखिए और रिजल्ट देखिए। तो देखिए अब मंथ तो मैंने बता दिया, ये मैंने क्या बताया, साल दर साल का मैंने बताया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है कम ज़्यादा जो भी है। ठीक है, लेकिन आपको लॉस में नहीं रखा हुआ है। आप मेन प्रॉब्लम क्या होता है शेयर मार्केट में, लोग साल 2 साल 6 महीने में पूरा पैसा डुबा देते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको पैसा बचाना भी है और आपको पैसा कमाना भी है। ठीक है, बहुत बड़ा आपको इनकम रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक आपको डिसेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छा मिलेगा।
ठीक है। अब ये सिर्फ एक लॉट की बात हो रही है, ठीक है, एक सेट की बात हो रही है, बैटमैन का आप एक सेट अप्लाई करते हैं उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये स्प्रेड है तो एक में दो तो आपको करना ही है, एक बाय करेंगे दो सेल करेंगे, तो आपका 1.5 लाख में आपका 1,32,000 के आसपास है। आप जिस तरीके से मल्टीपल करेंगे आप उसको सेट को, 3 लाख, 6 लाख, इस तरीके से करेंगे तो ये रिटर्न भी लगभग उस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ एक सेट की बात की। अब देखिए रिजल्ट ये आया, तो देखो जनवरी में, ये देखिए जनवरी में क्या हुआ, 5,000 का फायदा हुआ, फरवरी में 5,000, मार्च में 2,000, अप्रैल में 5,000, मई में 4,000, देखिए कितना, 5-6 महीना शानदार बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ, 6 महीना शानदार, बताइए कौन सी स्ट्रेटजी ऐसा देता है। फिर जब लॉस हो तो 1,300, 2,700, 5,400, ये 3 महीना लॉस भी हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर 3 महीना प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से आपका ये आया। फिर जनवरी 2020 में देखेंगे 3,000 का लॉस, सॉरी 3,000 का प्रॉफिट, लगभग 4,000, फरवरी 20 में 5,000 का प्रॉफिट, फिर मार्च में 13,000 का लॉस, ये सबसे बड़ा लॉस मेरे ख्याल से यही हुआ होगा, फिर प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, फिर लॉस लॉस लॉस, फिर देखेंगे तो ये 11,000 का लॉस दिखा रहा है फरवरी 2021 में, ठीक है, उसमें 1,300 पॉइंट का, ये देखिए 1,300 पॉइंट में रेंज निकाला था, 1,400 पॉइंट निपटी गया, तो जो कि रेयर चांस है, बहुत कम जाता है, हर बार ऐसा होता नहीं, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी, देखिए 11,000 का, उसके बाद देखो ये 11,400 ले गया, लेकिन अगले महीने 11,900 को दे भी गया, तो जस्ट रिकवर भी हो गया, फिर 7,000, 7,000, 8,000, 4,000, ये फिर 2,600 का लॉस, इस तरीके से आपको 35,000 का, तो ये मैंने हर मंथ का किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए आप कंसिस्टेंट देखेंगे, कंसिस्टेंसी क्या होती है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार 6 महीने, एक बार ऐसा हुआ है 19 से जब चालू किया, तो लगातार 6 महीने आपको मैक्स जो लॉस प्रॉफिट दिया है वो क्या दिया है, लगातार 6 महीने दिया है, तो इसमें आपने कितना कमा लिया, देखिए जब अप्लाई किया आपने 5,000, 5,000, 10, 2, 12, 5, 17, 4, 21, 6, 27, मतलब लगभग 25 से 30 हज़ार आपने कमा लिया, उसके बाद 2-3 बार आपने कमाया 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, ठीक है, तो कितना अच्छा है, उसके बाद लगातार 3 बार नुकसान भी हुआ, तो तब तक आपने प्रॉफिट कमा लिया था, तो 6 और 3 करे और कहीं पे है क्या, देखिए 1 प्रॉफिट 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हुआ है, और लॉस तो लगातार 3 बार दिखाई दिया, मतलब ये आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बार हुआ होगा इस तरीके से, 5-6 बार तो आपको प्रॉफिट के बार 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार यहाँ पे 1, 2, 3, 3 बार लॉस हुआ है, प्रॉफिट में 1, 2, 3, 4, 4 प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये देखिए कि कंसिस्टेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, लगातार लॉस 2 या 3 बार देगा, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट आपको दे चुका रहेगा, और आप ये पूरे मंथ आप इसको इसको वीडियो को धीरे से स्किप करके देखिए, सॉरी स्किप करके मतलब पॉज करके देखिए, एक एक करके देखिए, मैंने मंथ करके दिखाया हुआ है, हर मंथ का रिजल्ट है यहाँ पे, और देखिए तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट, अच्छा हाँ एक कोरोना काल की बात करते हैं, जैसे आपने सेल किया हुआ था आपको डर लगता है, इसमें मैंने कोई हेज नहीं लिया है, मतलब जो प्योर जो हम बैटमैन लेते हैं वो लिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने मार्जिन बेनिफिट वाला इसमें अप्लाई मैंने नहीं किया, तो देखिए मार्च 2020 में कोरोना काल हुआ था तो -13,000 को उसमें लॉस दिखा रहा है, ये मैंने मैक्स जो हमारा उसमें था मेरा ग्राफ के हिसाब से ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आप करके देखिएगा भी अगर आपके पास होगा तो, ये देख क्या लिखा है, सिस्टम प्रॉफिट शोइंग, मतलब हम जब मैंने अप्लाई किया उस पर इसको ऑक्स्ट्रा पे, और उस समय जो रिजल्ट आया उस समय ये दिखा रहा था, जो भी कारण हो जब उसमें विक्स बढ़ेगा, आईवी बढ़ेगा, तो एडजस्टमेंट मैंने किया हुआ होगा, सीधी बात है, एडजस्टमेंट मैंने किया होगा सीधी बात, तो उस समय मैंने क्या एक सेल को हटा दिया, तो एक सेल एक बाई रहा होगा डाउन साइड में, उसमें आईवी इतना ज्यादा था कि प्रीमियम का प्राइस काफी ज्यादा हाईली प्राइजेस था, मतलब प्रीमियम काफी ज्यादा था, इसलिए था कि सिस्टम ऐसा दिखा रहा था कि क्या फॉल्ट था नहीं पता, बट सिस्टम का जो प्रॉफिट है ऑप्स्ट्रा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उस समय उस मंथ में 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, 50,658 रुपये का, हालांकि मैंने जो मेरा कैलकुलेशन बताया जो एक्चुअल में मेरे को लॉस होना चाहिए था ग्राफ के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने -13,000 दिखा रहा था वो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन सिस्टम उस समय आईवी के कारण था, प्रीमियम बढ़ा हुआ था इस कारण था, जो भी कारण था आप टेस्ट करके देखिएगा, उस समय ये 13,000 का लॉस न दिखा के 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और यदि मैं इसको मानता हूँ, ठीक है, तो अगर 50,000 का प्रॉफिट मानता हूँ तो फिर 1,32,000 में 50,000 और जोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 13,000 का लॉस है उसके जगह 50,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लगभग 1,80,000 का आपका यहाँ पे टोटल होता है यदि मैं इसको एक्चुअल में 50,000 जो सिस्टम दिखा रहा था उसको लिखता तो, बट मैंने वैसा नहीं किया,
जो मुझे लगा कि कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो अगर आपने दिखाता है कि भाई मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है, वो मैंने लिख दिया था उस समय मैक्सिमम लॉस के हिसाब से, ठीक है। सो इस तरीके से, हाँ, अब एक और आते हैं तीसरा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की जरूरत मैंने बताया कैसे करना है, एडजस्टमेंट की जरूरत कितनी बार पड़ेगी, देखिए, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, फिर एक बार एडजस्टमेंट, फिर नो नो नो, फिर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, फिर नो नो नो। तो इस तरीके से देखें तो कितने बार आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी, ये देख लेते हैं। तो ये एक बार पड़ा, दो, तीन, चार, ठीक है, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ओके, फिर 10 हुआ है, ओके, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये एक बार 20, 20, ठीक है। तो 20 बार ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा, और मंथ कितने होंगे, ये लगभग है 56, 56 मंथ का ये रिजल्ट है, ठीक है। 56 मंथ के रिजल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 बार एडजस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है। मतलब 36 टाइम आपको बिना किसी एडजस्टमेंट के, एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही न पड़े, और आपको बिना किसी एडजस्टमेंट के बहुत ही कम ब्रोकरेज में आपका मस्त ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, और उसमें 36 बार कोई एडजस्टमेंट, सिर्फ 20 बार आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो एडजस्टमेंट का रेशियो भी देखेंगे तो काफ़ी कम है, 20 में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा टोटल 56 में, और 36 बार आपको कोई एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ा, मतलब हाफ टाइम ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट मैंने बताया हुआ है, आप इसको चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ मैं, इसके लिए लोग चार्ज भी करते होंगे आई थिंक सो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, तो 36 बार बिना एडजस्टमेंट के, सिर्फ 20 बार एडजस्टमेंट, 56 महीने का रिजल्ट है, और यहाँ पे 1,32,000 का आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। यदि मैं इसको 56 मंथ है तो इसको मैं यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 1,32,775, जबकि मैंने बताया ना कि ये जो सिस्टम दिखा रहा था कि 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, उसको भी मैं हटा दिया, तो इसको अगर मैं 56 मंथ से डिवाइड करता हूँ तो ये होता है ऑलमोस्ट 2,370 रुपये, ठीक है। तो 2,370 रुपये हो रहा है, चलो हम 2,370 रुपये में 370 के आसपास का हम क्या कर देते हैं, ब्रोकरेज का निकाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज का निकाल लिया तो भी 2,000 का मिल रहा है आपको, यदि 2,000 मिलता है, ठीक है, 2,000 मिलता है और आपका 1,50,000 का मार्जिन है, ठीक है, तो आपका ये हाँ 1,50,000 का मार्जिन है, मार्जिन तो 1,00,000 में है, तो आपका रिटर्न कितना बन रहा है, 1.33, ठीक है, मतलब लगभग 1.5% के आसपास का आपका रिटर्न बनता है, ठीक है। तो ये 1.5% का रिटर्न भी मंथली जो मिल रहा है बिना किसी टेंशन के, ना हमने किसी को पैसा दिया ना कुछ किया, और ऑप्शन स्ट्रेटजी है बैटमैन, हमको पता है कि क्या क्या हो सकता है, हमको रिस्क पता हुआ है, उस हिसाब से आप सिंपल इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 1.5% के हिसाब से मिलता है, और 1.5% भी मिल रहा है आपको तो आप समझ सकते हैं कि भाई पूरे साल में कितना मिल सकता है, तो पूरे साल में आपको लगभग 15 से 18% का आसपास का रिटर्न आपको ये दे रहा है, ठीक है, साल भर में, ठीक है, क्योंकि 2,000 एक मंथ का निकाला हमने, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको लगभग 15 से 18% के आसपास का रिटर्न जो है साल में मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा है। इसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे और आप इस पे बिलीव करोगे, एक आध साल करके देखेंगे, फिर आप कैपिटल बढ़ाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मिलने लग जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट ही होगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा 4 से 5 साल का मैंने दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी मेरे पास है, इसका मैं रिजल्ट काफ़ी मेहनत की इस पे मैंने, ठीक है, और भी मैंने स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट किया हुआ है, तो आपका कमेंट आता है तो मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा और भी स्ट्रेटजीज और बैक टेस्ट को दिखाऊंगा। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है, और आपको लगता है स्ट्रेटजी सही है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसका रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट ये सब चीज़ आपको फॉलो करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो और कोई डाउट है, कोई एडजस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए सिंपल सा इतना ही, ठीक है। देखिए मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में सिंपल चीज़ें काफ़ी वर्क करती हैं, हम लोग क्या करते हैं एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में पैसा डबल के चक्कर में आते हैं और जो पैसा है उसको भी गुमा डालते हैं। सभी ट्रेडर की यही कहानी है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख आते हैं, उसको 10,000 20,000 में कन्वर्ट करते हैं, लाते हैं डुबा देते हैं, लाते हैं डुबा देते हैं, डुबाते नहीं, वो पैसा कहीं नहीं जाता, पैसा मार्केट में ही है,
आप चाहे तो उसको ला सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से सिंपल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, और ये क्रेडिट बेस्ड है, मतलब आपको टाइम पास, मार्केट निकल रहा है शांति से, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एडजस्टमेंट आपको पता है, आप शांति से बिना किसी टेंशन के करते रहिए, आपको ये रिटर्न कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करते रहेगा। ठीक है, तो और कुछ है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। और स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।